अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यार आज है आप लोगों का ब्लॉगिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2। ब्लॉगिंग सीरीज़ का अगर लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे लाजमी देख लें, क्योंकि इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल पैनी, कैसे अपनी ही वेबसाइट को बना सकते हो, उसको एडसेंस से अप्रूव करवा के उस पर अर्निंग कर सकते हो। और ये सारा का सारा कुछ आप लोग फ्री में करने वाले हो, आप लोगों को कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज सबसे पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखा फर्स्ट वाला तो उसे देख लें। समीर टॉक्स यूट्यूब चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर ही आप लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है और बहुत सारे फ्री कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज बगैर किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने कोर्स की तरफ, लेक्चर नंबर 2 की तरफ। ओके गाइज, तो सबसे पहले अब आपने क्या करना है, उन लोगों ने जिन्होंने ब्लॉग अपना क्रिएट कर लिया था, अब अपने ब्लॉग पे दोबारा वापस चलते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं गूगल पे लिखूँगा blogger.com। ठीक है, मतलब यहाँ पे blogger.com लिख के मैंने सर्च किया, यहाँ से ही मैं दोबारा साइन इन करूँगा। कल जिस ईमेल के ऊपर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में जिस ईमेल के ऊपर आप लोगों ने अपना ब्लॉग क्रिएट किया था, वही ईमेल को सिलेक्ट करेंगे तो ब्लॉग एज इट इज़ वापस आ जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे पैनल में वापस आ जाओगे। ओके, सो रिसेंटली हमने जो काम किया था वो था कि 4 पेजेस हम लोगों ने बनाए थे। अबाउट अस का बनाया था, प्राइवेसी पॉलिसी का बनाया था, डिस्क्लेमर का बनाया था, कॉन्टैक्ट अस का बनाया था। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हो, ITX समीद, इट्स समीद है मेरा इंस्टाग्राम। ठीक है, आप लोग वहाँ पर मुझसे रब्ता कर सकते हो। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये देखो यार, यहाँ पर आपके पास टैब्स और भी आते हैं, अर्निंग वाला टैब है। ठीक है, यहाँ पे आपने एडसेंस अकाउंट बनाना है, एडसेंस अकाउंट बना के वहाँ से अर्निंग करनी है। उसके अलावा लेआउट वाला टैब है। ठीक है, ये आपको आपके ब्लॉग की इस टाइम लेआउट दिखा रहा है कि आपके ब्लॉग में कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। ठीक है, क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है और क्या है क्या नहीं है, सारे का सारा कुछ। नेक्स्ट आ जाता है जी थीम वाला सीन, यहाँ पे बने बनाए थीम आपको मिल जाते हैं, फ्री थीम्स भी हैं। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल थीम कैसे लगाना है, कौन सा लगाना है मैं बताऊँगा। ठीक है, आपने खुद से कुछ नहीं करना, इस चीज़ को भी बिल्कुल नहीं छेड़ना। ओके, सो आज का लेक्चर है जी, जो मेन आज के हम लोग चीज़ देखने वाले हैं, एक मेन जो चीज़ होती है वो है सेटिंग्स। ठीक है, सेटिंग्स करते हैं अपने ब्लॉग की, ना हमने अर्निंग में कुछ करना है अभी। ठीक है, ना लेआउट में करना है, ना थीम में करना है, सेटिंग्स पे आ गए हैं। सेटिंग्स को अब चेकआउट करते हैं, अपनी सेटिंग्स को। अभी जो मेरा टाइटल है वो वही रहेगा जो मेरी वेबसाइट का टाइटल, इसके ऊपर मैं क्लिक किया तो ये टाइटल मेरी वेबसाइट का जो भी है वो आ गया। टॉपिक लीड्स मेरी साइट का नाम है, उसको मैंने लिख दिया। डिस्क्रिप्शन पे आ जाते हैं जी, डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मुझे वो कह रहा है 500 करेक्टर्स आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। देखो 4 मैंने करेक्टर लिखे, यहाँ पे 4 आ गए। ठीक है, अच्छा 500 तक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख लूँगा। ठीक है, लाइक डिस्क्रिप्शन जैसे मैंने अबाउट अस पेज पे लिखा था, बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन लिख लूँगा, वी एट द टॉपिक लीड्स वेबसाइट का नाम प्रोवाइड यू, या फिर प्रोवाइड आर व्यूवर्स विद टॉप नॉच कंटेंट, कुछ भी ऐसा। ठीक है, कंटेंट अबाउट स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी हेल्थ बिजनेस एट्सेट्रा। ठीक है, ये इतना मैंने लिख दिया है, आप चाहो आप 500 वर्ड पूरे भी लिख सकते हो, प्रोफेशनल सी भी लिख सकते हो आप। ठीक है, आप चाहो तो कहीं से आइडिया ले सकते हो, किसी की कॉपी नहीं बिल्कुल भी करनी, किसी की ऐसे कर सकते हो किसी की वेबसाइट पे कोई भी डिस्क्रिप्शन टाइप देख के या फिर चैट GPT से लेके
उसको चेंज कर लो, उसमें खुद से चेंजेस कर लो थोड़ी बहुत, और देन उसे यहाँ पे पेस्ट कर दो और सेव कर दो, ठीक है। खुद से लिख लो वो बेहतर है सबसे। अच्छा खैर, ब्लॉग लैंग्वेज इसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है, इंग्लिश ही रहने देना है। अडल्ट कंटेंट वाले को भी नहीं छेड़ना, ठीक है। एनालिटिक्स, मेजरमेंट आईडी, गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट कैसे बनाना है, उसको यहाँ पे कैसे लगाना है, ये बाद में देखेंगे, ठीक है, बताऊँगा ज़रूर, पर बाद में, अभी का ये काम नहीं है हमारा। फेव आइकन, फेव आइकन क्या है? देखो, फेव आइकन बेसिकली आपकी वेबसाइट का आइकन जो होता है, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आता है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉगर का इस टाइम हमें ऑफिशियल जो है वो नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ जो होती है ये भी मैं आपको बताऊँगा, ये आप कैसे लगाओगे, फेव आइकन बनाओगे कैसे और लगाओगे कैसे, ठीक है। फेव आइकन इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम बनाएंगे और लगाएंगे। अच्छा जी, प्राइवेसी, विजिबल टू सर्च इंजन, हाँ जी, हम चाहते हैं जी कि सर्च इंजन यानी जैसे गूगल है, बिंग है, याहू है, हमारी इसको वेबसाइट को सर्च करे, क्रॉल करे, या वी वॉन्ट इट। अच्छा जी, पब्लिशिंग, ब्लॉग एड्रेस टॉपिक लीड्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ठीक है, ये हमें फ्री में मिलता है, जिसके आगे ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम आ जाता है, ठीक है। ये ब्लॉग स्पॉट वाले अपनी इसमें वो कर देते हैं एडवर्टाइजमेंट, लाइक हमें ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम लग के साथ ये मिल जाता है, ठीक है ना। ये फ्री होता है। अगर आप चाहते हो कि ये बीच में से ब्लॉग स्पॉट हट जाए, टॉपिक लीड्स डॉट कॉम आप ये एड्रेस लगा सको, तो उसके लिए आपको डोमेन ख़रीदनी पड़ती है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको डोमेन ख़रीदनी पड़ती है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको डोमेन ख़रीदनी पड़ती है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जो आपकी आपके ब्लॉग का जो एड्रेस है वो, अभी तो देखो ना, अभी हमारी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस क्या आ रहा है, उसका एड्रेस आ रहा है टॉपिक लीड्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ठीक है। इसको खोलने पर ये हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार मैं बजाय के डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, मैं और मेरे यूज़र जो हैं वो टॉपिक लीड्स डॉट कॉम लिखें और देन वो ओपन हो, तो उसके लिए आपको ये एड्रेस ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। ये एड्रेस ख़रीदने के लिए गो डैडी डॉट कॉम और नेमचीप डॉट कॉम वगैरह जैसी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। गो डैडी है, यहाँ से आप लोग डोमेन्स ख़रीद सकते हो, नीचे नेमचीप आ रहा था, वहाँ से ख़रीद सकते हो, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी 999 रुपये में, ये देखो, डोमेन दे रहे हैं फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर से दोबारा वही प्राइस जो इनकी नॉर्मल है वो चल जाती है। तो खैर, ये फ़िलहाल के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, फ़िलहाल के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की या कुछ भी, तो हम फ्री वाले के साथ ही चलेंगे। अच्छा, HTTPS रीडायरेक्ट, ये जो है इसको ऑन ही रहने देंगे, ठीक है, इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। अगर इसको बंद कर दिया तो फिर HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होगा जो कि सही नहीं है, HTTPS वाला जो है ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद जी परमिशंस वगैरह आ गई, यहाँ पर हम लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर यानी कि परमिशंस ग्रांट करते हैं। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने किसी कज़न को परमिशन दे दूँ कि वो भी दिन का एक आर्टिकल यहाँ पे लगा दिया करे, मैं किसी बंदे को हायर करता हूँ, ठीक है, मैं उसे 20,000 रुपये हायर कर लेता हूँ कि यार 1 महीने का तुमने ना यहाँ पे 40 आर्टिकल लगाने हैं, ठीक है, तो तुम पैसे ले लो, ये आर्टिकल लगा दिया करो, तो मैं यहाँ से उसे उसकी ईमेल ऐड करूँगा और उसे परमिशन दूँगा। खैर, इसको भी टोटली इग्नोर कर देते हैं पूरे सेक्शन को, ठीक है। नीचे आ जाते हैं जी पोस्ट पे, मेन पेज पर कितनी पोस्ट शो होनी चाहिए, 7 पोस्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ यार 10 पोस्ट कर दो शो, ठीक है। ये वैसे ही जस्ट आपको दिखाने के लिए लिखा है, 7 भी रहती हैं, मुझे क्या, मेरा क्या जाता है, कुछ भी नहीं। ओके, पोस्ट टेम्पलेट वगैरह को इस टाइम इग्नोर कर दिया, इमेज लाइट बॉक्स को इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं कमेंट्स पे, मेरी वेबसाइट पे कमेंट्स कौन देख सकता है और क्या चक्कर होगा इनका, तो इसको भी राइट नाउ हम कर देते हैं इग्नोर। ईमेल जो है इसका भी फ़िलहाल तक हमारे कोई सेटिंग के साथ नहीं है, ठीक है, इसको भी जस्ट इग्नोर करो अभी। टाइम जोन आपने अपना सेट करना है,
टाइम जोन आपकी वेबसाइट का आपने सेट करना है। लाइक टाइम जोन बेसिकली यहाँ पे इस टाइम लॉस एंजुलस का लगा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पे कराची पे करूँगा सेट। ठीक है, तो कराची को ढूंढते हैं। पाकिस्तान का टाइम जोन आपका टाइम बचाने के लिए +5 है। ठीक है, सो +5 पे चले जाते हैं, ये -3 जा रहा है, तो जी +5 ये आ गया, ये कराची है। ठीक है, कराची चल, कराची चल, ये वो वाला कराची है। ठीक है, अब यहाँ से बाकी तो कोई इतना डेट का फॉर्मेट है। ठीक है, ये वेडनेसडे अप्रैल, ठीक है यही वाला जो लगा है वही रहने दिया, मैंने कुछ चेंज नहीं किया इसमें। टाइम स्टैम्प फॉर्मेट नहीं, ये भी कुछ नहीं चाहिए। मेटा टैग्स, इसको ढूंढ रहा था मैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। ठीक है, मेटा टैग जो है ना यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा टैग, ये सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि लाइक किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाने में इसका बड़ा किरदार होता है। ये मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल को बताती है कि आपकी वेबसाइट जो है वो क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, आपकी वेबसाइट बेसिकली काम किस चीज़ के लिए करती है, आपकी वेबसाइट बेसिकली करती क्या है। ठीक है, सो मेटा डिस्क्रिप्शन इज़ द थिंग कि जिसको हम देखते हैं, इसको ऑन कर दिया है। फिर ये नीचे सर्च डिस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पे 150 वर्ड की मेटा डिस्क्रिप्शन हमने लिखनी है। ठीक है, सो मेटा डिस्क्रिप्शन मैं अभी लिख देता हूँ, टॉपिक लीड्स प्रोवाइड लेटेस्ट टेक एजुकेशन, उसके बाद बिजनेस। ठीक है, जो जो यानी कि आप लोग, यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स लिख देता हूँ। ठीक है, स्पोर्ट्स लिख दिया मैंने, हेल्थ लिख देता हूँ, उसके बाद अपडेट्स। ठीक है, कुछ ऐसा यानी कि 150 वर्ड्स आपने अपने पूरे करने हैं, और 150 करेक्टर्स की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे। सो लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है, कुछ ऐसा आपने, थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिव हो जाए। ये तो मैंने बहुत बेसिक सी लाइन लिखी है। ठीक है, ये जो मेरे दिमाग में आता है कि मैं लिखता गया हूँ, ऐसे आपने जिस जिस चीज़ के बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है वो चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, जैसे एजुकेशन, बिजनेस, स्पोर्ट्स, मेन जो फोकस होना चाहिए वो आपका, वो आपने ये बताना है इस एक लाइन के अंदर, एक या दो लाइंस के अंदर, कि हमारी वेबसाइट आपको या यूज़र को प्रोवाइड क्या करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है। ओके, अब बाकी इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, रीडायरेक्ट को, एरर को, बाकी क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग, इस पे आपने इनेबल कस्टम रोबोट्स डॉट txt इसको ऑन कर देना है। ठीक है, इसको ऑन कर देना है। बेसिकली रोबोट्स डॉट txt होती क्या है, रोबोट्स डॉट txt बेसिकली ये क्या चीज़ है, रोबोट्स डॉट txt ना यार, आपकी वेबसाइट पे एक फ़ाइल होती है। ठीक है, ये एक फ़ाइल है जो आपकी वेबसाइट में स्टोर होती है। ठीक है, आपकी वेबसाइट के मेन फोल्डर में ही होती है। इस फाइल का काम क्या है, रोबोट्स डॉट txt का काम क्या है, ये जो है ना, ये सर्च इंजन को बताती है कि कौन सा पेज क्रॉल करना है और कौन सा छोड़ना है, किस पेज को आपने क्रॉल या इंडेक्स करना है और किसको इग्नोर करना है। ठीक है, कौन से वाले पेज को गूगल पे शो करवाना है, कौन से वाले पेज को गूगल पे शो नहीं करवाना। आई होप आप लोगों को समझ लग गई होगी इसकी। मैं आप लोगों को थोड़ी सी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब ये टॉपिक लीड्स डॉट कॉम जो है ना, ये मेरी ही वेबसाइट है। ठीक है, टॉपिक लीड्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ये जो है ये यहाँ पे है, जो मैं आप लोगों को ब्लॉगर के ऊपर बना के दिखा रहा हूँ। अब ये जो टॉपिक लीड्स डॉट कॉम है, ये मेरी वेबसाइट है अपनी। ठीक है,
ये टॉपिक लीड्स डॉट कॉम, ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। इसकी होस्टिंग के भी मैं पैसे दे रहा हूँ, इसकी जो यानी के मेंटेनेंस है, इसकी डोमेन है, ये सारा कुछ जो है ना इसका मैं खुद से पे कर रहा हूँ। खैर, ये जो वेबसाइट है इसका मैं आपको एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि ये तो वेबसाइट अभी हमने बनाई नहीं है, इसका रोबोट्स डॉट टी एक्स टी आपको दिखाता हूँ। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, ये देखो यहाँ पे ये स्टैरिक का मतलब होता है ऑल। मैंने सारे के सारे जो हैं वो अलाउ किए हुए हैं, ठीक है, कि सारा कुछ जो है वो इंडेक्स करा दो। डिसअलाउ जो है वो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, वो खाली है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो रोबोट्स डॉट टी एक्स टी जो है ये ऐसे फाइंड आउट हम करते हैं, तो इसके अंदर मैंने डिसअलाउ कुछ भी नहीं किया और जो सारा कुछ है वो मैंने अलाउ किया हुआ है। सो यहाँ से आप, आई होप कि आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। अच्छा, ये मैंने ऑन तो कर दी, ठीक है। अब आपने एक और चीज़ देखी होगी, ये देखो रोबोट्स डॉट टी एक्स टी के अंदर ही यहाँ पे साइट मैप का यूआरएल दिया हुआ है, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। अब ये साइट मैप क्या होता है? बेसिकली साइट मैप आपकी वेबसाइट का एक नक्शा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख के बताता हूँ, साइट मैप आपकी वेबसाइट का मैप होता है, ठीक है, नक्शा होता है, जिसका मकसद आपकी मतलब वेबसाइट जो है ना उसको सर्च इंजन्स को जिसका मकसद सर्च इंजन्स को आपकी वेबसाइट के बारे में बताना होता है कि कौन सी फाइल कहाँ पड़ी है, कौन से मतलब कहाँ पे इसके सारे आर्टिकल्स पड़े हैं, कहाँ पे इसका सारे का सारा सीन पड़ा है। जैसे कि एक लाइब्रेरी के अंदर आप कह लें कि बुक्स ऑर्गेनाइज्ड होती हैं ना लाइब्रेरी की, आपको पता होता है कि यार इस दीवार के साथ ये वाली बुक्स लगी हैं, इस दीवार के साथ ये वाली बुक्स लगी हैं, और कौन से ब्लॉक में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक्स हैं, कौन से ब्लॉक में उर्दू की बुक्स हैं, ठीक है। इस तरह से साइट मैप होता है आपकी वेबसाइट का। ये मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपने काम जो है ना वो जो करना है वो आपको देख के हैरानी होगी, इतना इजी काम है, ठीक है, ये वाला जो है। तो साइट मैप बेसिकली यही चीज़ होती है। अब मैं अगर आपको अपनी टॉपिक लीड्स डॉट कॉम का साइट मैप दिखाऊं, डब्ल्यू पी माइनस साइट मैप डॉट एक्स एम एल, ये देखो इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये साइट मैप है बना हुआ। ये साइट मैप कैसे बना है? पोस्ट माइनस साइट मैप डॉट एक्स एम एल, ये पोस्ट दिखा रहा है, यहाँ पे पेजेस हैं सारे पड़े, इस लिंक के अंदर पेजेस हैं, इस लिंक के ऊपर क्लिक होगा सारे पेजेस शो हो जाएंगे, इस लिंक के ऊपर कैटेगरी है, ठीक है, इस लिंक के ऊपर पोस्ट के टैग्स हैं, ठीक है, इस लिंक के ऊपर ऑथर अकाउंट्स हैं जितनों को मैंने ऑथर दिया है, यानी कि ये सारी की सारी वेबसाइट को ऑर्गेनाइज कर देता है। और मतलब जब क्रॉलर्स आते हैं आपकी वेबसाइट पे, वो क्रॉलर्स सबसे पहले आपका रोबोट्स डॉट टी एक्स टी को पढ़ते हैं, यहाँ पर जो साइट मैप होता है इसको क्रॉल करते हैं, इस लिंक को उठाते हैं, इस लिंक पे जाते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? साइट मैप मिलता है। यहाँ से वो आपकी वेबसाइट का हर हर आर्टिकल इंडेक्स करते हैं, हर हर पेज इंडेक्स करते हैं, हर हर कैटेगरी इंडेक्स करते हैं, और पोस्ट और टैग और ऑथर वगैरह सारा कुछ इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। सो ये जस्ट एक ओवरव्यू था। खैर, करना आपने यहाँ पर यह है कि कस्टम रोबोट्स डॉट टी एक्स टी जो है ना इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 10,240 करेक्टर्स मिले हैं लिखने के लिए, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, कस्टम रोबोट्स डॉट टी एक्स टी आपने जस्ट लिखना है गूगल पे, साइट मैप जनरेटर, ठीक है, साइट मैप जनरेटर आपने लिखा, इसको गूगल पे लिखा। यहाँ पर आपने डिफरेंट डिफरेंट साइट मैप जनरेटर हैं, मोस्टली पीपल यूज़ करते हैं लैबनॉल का, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट जो है इसका टॉपिक लीड्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ठीक है, इस वेबसाइट का मैंने यहाँ पे यूआरएल दिया, अपनी वेबसाइट का जो हम बना रहे हैं ये वाली, इसका यूआरएल क्या है? टॉपिक लीड्स डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। यूआरएल यहाँ पे ब्लॉग यूआरएल में एंटर कर दिया, यहाँ पे मैं जनरेट कर दूंगा। चलो जी, साइट मैप जनरेट हो गया है, ये देखो बेसिकली ये एक तरह की रोबोट्स डॉट टी एक्स टी है फाइल, ठीक है। सो यहाँ पर अब इसको मैं
यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने। ओके फाइन। अब मैंने यहाँ पे इनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स, इनको कर देना है। ठीक है, अब इनको मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास तीन है, ठीक है, तीन है हमारे पास, ये ऑन हो गई। इसको ऑन करने के बाद तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जनाब है होम पेज वाला, इसको मैंने कर देना है एक पे ऑल, दूसरे पे नोड पी। ठीक है, सेव कर लिया। दूसरे वाले पे मैंने कर देना है नो इंडेक्स और नो डीपी। ठीक है, नो डीपी। और थर्ड वाले पे मैंने कर देना है ऑल और नो डीपी। ठीक है, इसको मैंने कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए इनेबल कस्टम एड्स डॉट TXT है, ये हम करेंगे, इसको भी देखेंगे, लेकिन ये अभी नहीं है, ये वो तब है जब हम एडसेंस अकाउंट बना लेंगे। ऊपर वाला जो स्टेप था अर्निंग्स वाला, ये वाला करेंगे तब, तो बाद में ये सेटिंग हम छेड़ेंगे। ठीक है, तो मैनेज ब्लॉग, इंपोर्ट कंटेंट, बैकअप कंटेंट, ये वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे छेड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पर और फिलहाल कोई भी सेटिंग छेड़ने वाली नहीं है। आपने जस्ट करना क्या है, आपने जस्ट जो सेटिंग्स अभी मैंने बताई हैं, ये वाली सेटिंग्स लाजमी साथ साथ आपने कर लेनी है। तो आज के दिन हमने क्या किया है, आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, हमने जस्ट बेसिक के अंदर कुछ चीज़ों को छेड़ा है। ठीक है, टाइटल दिया है, डिस्क्रिप्शन दी है, प्राइवेसी सेट की, ये जो इसको छेड़ा नहीं था, ये मतलब ऑन ही रहने देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे आके मैंने आपको ये बताया है कि जो ब्लॉग एड्रेस होता है ये आपका ये वाला है, ठीक है, .blogspot.com के साथ है। अगर आप चाहते हो कि यार ये कस्टम हो जाए, कोई और इसके ऊपर नाम शाम लग जाए, मतलब बगैर .blogspot के, या फिर आप कोई और एड्रेस अपनी वेबसाइट का रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का, आप यहाँ पर कस्टम डोमेन के ऊपर क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे HTTPS है, इसको हमने ऑन ही रहने देना है। उसके बाद परमिशंस का हमारे साथ फ़िलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, पोस्ट का ताल्लुक नहीं है, कमेंट्स का ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ईमेल का कोई ताल्लुक नहीं है। टाइम जोन हमने पाकिस्तान का रखना है, मेटा टैग्स रखने हैं। उसके बाद क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग वाले पे आके हमने ये भी ऑन किया, यहाँ पर साइट मैप लगा दिया। ये जो साइट मैप अपने हमने अभी जनरेट किया है ना, ब्लॉगर का साइट मैप, बेसिकली ये जो साइट मैप है ना यार, ये अभी हमारा यूज़ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो बनी नहीं है अभी, अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं बनी हमारी वेबसाइट। तो ये कब बनेगी, जब मैं आप लोगों को थीम वगैरह लगवा दूंगा, ज़रा अच्छे वाली करके वेबसाइट बनाएंगे, ज़रा थोड़ा मतलब ये है कि थोड़ा सही में देखने लायक वेबसाइट होगी, तब हम दोबारा से इसका साइट मैप जो है वो बना के यहाँ पे फेंकेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल है एक ऑप्शन, ये इनके नीचे आ रहा है, जो तीन सेटिंग्स हमने की हैं अभी इनके नीचे आ रहा है गूगल सर्च कंसोल। बेसिकली गूगल सर्च कंसोल क्या होता है, ये ना देखो वेबसाइट्स आ रही हैं ना google.com पे, आप लोग कुछ भी सर्च करते हो, जैसे हाउ टू फिक्स कुछ भी। ठीक है, ये जो वेबसाइट्स आ रही हैं, ठीक है, ये जितनी वेबसाइट्स आ रही हैं, ये सारी की सारी क्या है, ये गूगल ने यहाँ पे जो शो करवा रहा है, इनको कहते हैं ये वेबसाइट्स इंडेक्स हुई हुई हैं। ठीक है, ये इन्होंने आर्टिकल लिखा, इस वेबसाइट होस्टिंगर वाली वेबसाइट वाले ने अपने वेबसाइट पे एक आर्टिकल लिखा, गूगल को लगा कि यार ये जो आर्टिकल है ना ये इसके मुताबिक है, ये जो कोई भी लोग सर्च कर रहे हैं इसके मुताबिक है, तो गूगल ने इसे यहाँ पे शो करवा दिया। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो गूगल यहाँ पे इंडेक्स कर देता है, ठीक है, अपने पेज पे इंडेक्स कर देता है, अपने सर्च इंजन पे इंडेक्स कर देता है, यानी कि अपने सर्च इंजन पे शो करवाता है। तो जो जो चीज़ गूगल के सर्च इंजन पे शो हो, वो हम कहते हैं कि वो इंडेक्स हो गई है। ठीक है, सो गूगल सर्च कंसोल बेसिकली क्या है, गूगल सर्च कंसोल जो है ये ही वो गूगल का टूल है जो कि इंडेक्सिंग में आपकी वेबसाइट की, अच्छी इंडेक्सिंग में आपकी हेल्प करता है। तो इसको कैसे देखना है, कैसे इसको लेके चलना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो गाइज़, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो लाजमी यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और दुआओं में याद रखो। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।